अगर अपन बात करें दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या कहता है और क्यों कहता है, तो वो सारी बातों को लेंगे अपन लोग। तो सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिएगा पूरा गाइड होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें आपको हर चीज की डेफिनेशन गिवन है कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटी क्या होती है, किस चीज की कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, आपको न्याय रिड्रेसल मतलब न्याय कहाँ से मिलेगा, और यहाँ पे मशीनरी का मतलब होता है कोर्ट्स, आप किस किस कोर्ट में जाके न्याय मांग सकते हो, ठीक है ना। तो पूरा पूरा आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर डिटेल है। और अगर मैं बहुत बात करूं तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा काम का ये चैप्टर है, कम से कम 3 से 4 पर्सनल केस मेरे चल रहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ। क्यों? जहां जहां पे आपके साथ कोई अन्याय किया जाता है, कोई सर्विस में लैग किया जाता है या कोई प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट जाता है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप उस पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हो। और कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं, अगर मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बताऊं तो अभी एक रीसेंट तो यूएस का एविडेंस है, बट मैं आपको बता दूं कैमलिन कंपनी के खिलाफ, कैमलिन जो पेंसिल्स और आपके रबर शार्पनर स्केल्स बनाती है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन ने, इंजीनियर ने, आर्किटेक्ट ने केस कर दिया कि कैमलिन की जो मेजरमेंट थी वो 0.001 मिलीमीटर से डिफर कर गई। अब इससे उसने क्या करा, प्रोजेक्ट बनाया, उसने अपने ऑटोकैड पे डिजाइन बनाई, तो उसकी डिजाइन में 0.001 का मतलब होता है 400 मीटर, गेटिंग इट। अब किसी का 400, ठीक है, जो भी आप प्लॉट बनाते हो, कोई मैप बनाते हो, तो उसको बहुत छोटे फॉर्म में बनाते हो, तो इससे क्या हो गया, 400 मीटर का डिफरेंस आ गया, और जो उन्होंने पूरी बिल्डिंग खड़ी करी थी उस बिल्डिंग को डिमोलिश करना पड़ा बिकॉज ऑफ द रॉन्ग मेजरमेंट ऑफ द कैमलिन कंपनी। उसने कैमलिन कंपनी से 10 करोड़ रुपए की डिमांड करी और उसको प्रॉपर 10 करोड़ कैमलिन कंपनी के द्वारा दिए गए। दिस इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1956। आपके साथ किसी भी प्रकार का न्याय होता है, जैसे अभी आप एक केस पढ़ोगे कि इसमें आपकी केस स्टडी में पढ़ोगे, अगर आप मैकडी गए और मैकडी ने आपको गलती से बिना बताए मैक आलू टिक्की में थोड़ा सा चिकन चटनी डाल के देती, गलती से बाय डिफॉल्ट, अब इस पे वहां पे एक पर्सन ने, साउथ इंडियन वेजिटेरियन ने केस कर दिया कि इन्होंने हमारे पूरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया, हम आज तक वेजिटेरियन थे बट इन्होंने बिना बताए हमारी मैक आलू टिक्की, जो कि ऑफिशियली वेजिटेरियन होनी चाहिए, उसके बाद उन्होंने नॉन वेजिटेरियन चटनी दे दी बिना बताए, बिना कोई राइट साइन दिए हुए। तो यहाँ पे इसके खिलाफ, मैकडी के खिलाफ केस हो गया और मैकडी को 25 लाख रुपीज देने पड़े इस पर्सन को। तो कहने का मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काफी काम का होता है अगर आप ढंग से समझे तो। ये एक प्रकार से बोलते ना मानव अधिकार है एक प्रकार से, तो इसको समझना और इस पे किस किस चीज पे आपका अधिकार है, आपकी खुद के राइट्स क्या हैं, आपकी खुद के ड्यूटीज क्या हैं, ये चैप्टर आपको उसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो लेट्स गो एंड डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। अगर अपन बात करें तो, अगर अपन लेके चले तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर्स टू द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अभी लेटेस्ट केस भी हुआ था, पहले बता दूं आपको, कहां पे, यूएस में ही, किसी शायद फेसबुक या किसी कंपनी के खिलाफ इन्होंने कुछ ऐसी चीज पोस्ट कर दी थी जो किसी कंपनी को डिफेम कर रही थी विदाउट एनी नॉलेज, और उस पे फेसबुक ने प्रमोशन ऑन कर दिया। प्रमोशन ऑन कर दिया मतलब वो बहुत सारे लोगों को दिखता गया और वो बात सच नहीं थी, तो डिफेमेशन का केस हो गया और फेसबुक को उस कंपनी को 12 करोड़ रुपए देने पड़े बिकॉज फेसबुक ने कंज्यूमर का नुकसान किया अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वहां पे कोई और कंज्यूमर एक्ट चलता है, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कोई भी डिफॉल्ट किया जा रहा है, आपके साथ कोई भी गलती करी जा रही है, तो क्या आप न्याय की गुहार लगा सकते हो? द आंसर इज यस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाकई में सेलर ने गलती करी है कि बायर की गलती है, ये जाननी पड़ेगी, और उसी वही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, तो एक बात ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट है अगर मैं आपको बताऊं तो। मैं तो इसको, अगर आप देखोगे तो इसको आप वक याद कर लो, या अगर मैं बोलूं
CUW कऊ, तो पहली बात तो है कंज्यूमर इग्नोरेंस. कंज्यूमर व्हाट? इग्नोरेंस. सर इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम कंज्यूमर इग्नोरेंट होते हैं. हम किसी से कोई मेडिसिन लेके आते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम एक्सपायरी चेक नहीं करते. अगर हम कुछ खाने पीने का सामान ले रहे हैं हम कितनी बार चेक करते हैं कि वो वेज है कि नॉन वेज है, क्या उसके इंग्रेडिएंट क्या है, हम चेक नहीं करते. हम चीजों की एक्सपायरी चेक करते थे, हम चीजों की एमआरपी चेक नहीं करते. जो दुकानदार बोलता है वो हम लेके आ जाते, ठीक है ना. बहुत बार दुकानदार अगर मिलावट कर रहा है तो हमको उसकी मिलावट समझ में नहीं आती. हम बहुत बार पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, मशीन हो सकता है पूरा एक लीटर बोल रही है, तो हमको समझ में नहीं आता कहां से वो हमारे साथ बेमानी करते हैं. गेटिंग इट? तो यहाँ पे पहला रीजन था कंज्यूमर इग्नोरेंस. इग्नोरेंस मतलब क्या? हम बहुत इग्नोरेंट रहते हैं कि हमको सही चीज मिल भी रही है कि नहीं मिल रही. तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत थी. सेकंड, कंज्यूमर काफी अनऑर्गेनाइज्ड है. जैसे मैं कोई रिसेंट केस बताता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया के जिन लोगों के भी अकाउंट है तो उसे बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा इंटरेस्ट में घपला कर रही. पर्टिकुलरली अभी हमारे साथ 2 लाख रुपए घपला करा इंटरेस्ट में, और ओवरऑल देखा जाए तो 25 करोड़ घपला कर चुकी है रिसेंट. अब यहाँ पे कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, कंज्यूमर को पता ही नहीं हो रहा है. जो इंटरेस्ट बैठ के चेक करेगा कि उसने कितना दिया, किस रेट से दिया, क्या रेट पे दिया, वो चेक कर पाएगा. अब जो इंटरेस्ट चेक ही नहीं कर रहा, ठीक है बैंक है, बैंक से इंटरेस्ट देती ही देती है, तो बैंक ऑफ इंडिया मान चुका है कि हमारी गलती हुई, लेकिन वो अभी भी इंटरेस्ट देने को तैयार है. तो अब इसका मतलब सर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो मेरी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे बैंक के करीबन 200-300-500 अकाउंट्स होंगे जिनको इंटरेस्ट कम मिला. बट क्या हम सब ऑर्गेनाइज्ड है कि अनऑर्गेनाइज्ड? अनऑर्गेनाइज. तो मेरे अकेले के बोलने से कुछ होगा क्या? सर हो भी सकता है, होगा भी बहुत कुछ. बट आपको क्या चाहिए? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत थी कि मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बैंक ऑफ इंडिया केस फाइल कर सकता हूँ कि आपके नॉर्म्स आपके सर्कुलर के हिसाब से इस रेट पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. आपने, मैं तो एजुकेटेड हूँ तो आपने मेरे साथ इतनी बेमानी करी. अगर आप अनएजुकेटेड जो लोग हैं जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना जानते ही नहीं है, जिनको कैलकुलेशन आती नहीं है, जिनका उतना मैथ ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके साथ आप कितनी बेमानी कर रहे हो. सेकंड बड़ा पॉइंट था क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि कंज्यूमर क्या है अगर मैं बात करूं तो अनऑर्गेनाइज. तीसरा, चाहे इतनी बड़ी अगर कोई नेशनलाइज बैंक आपके साथ ऐसा कर सकती है तो इसका मतलब नेशनल लेवल पे वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर हो रहा है. आपको अलग अलग प्रकार से लूटा जा रहा है, आपको 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेची जा रही है, आपके साथ माल प्रैक्टिसेस की जा रही है, आपके साथ चीटिंग करी जाती है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता. बहुत बार आपने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदी, प्लॉट खरीदा, उस बंदे ने आपको वो प्लॉट बेच दिया और 4 जनों को और प्लॉट बेच दिया. अब वो बंदा निकल गया, भाग गया. अब वो प्लॉट का क्लेम तो सबके पास होना चाहिए. अब यहाँ पे कंज्यूमर तो फंस गया, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी भर की पूंजी लगाई थी उस प्लॉट में, लेकिन उसके साथ क्या हो गया? चीटिंग हो गई. गेटिंग इट? तो वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर है कंज्यूमर, ठीक है ना. सर बिजनेसमैन क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन के आपसे पूछे? अगर आज मैं, तुम सब मेरे कंज्यूमर हो तो मैं ये इंश्योर करूं कि तुम्हारे साथ भी अन्याय ना हो, तुमने जिस चीज की फीस भरी है तुमको वो चीज एग्जैक्टली मिले, ऐसा मैं क्यों सोचूं? ऐसा कोई दुकानदार क्यों सोचे? ऐसा कोई बिजनेसमैन क्यों सोचे? ऐसा रिलायंस क्यों सोचे? टाटा क्यों सोचे? क्योंकि इसी से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. अगर आपका कंज्यूमर आपसे खुश है, अगर आपका कंज्यूमर आपसे चीटेड फील नहीं कर रहा है, तो कंज्यूमर के लिए क्या है? लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए क्या है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट. सेकंड रूल ये आता है कि अगर बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है तो वो सोसाइटी के साथ चीट कैसे कर सकता है? अगर आज मैं कोई कोचिंग चला रहा हूँ या जितनी शॉप्स है, अगर वो सोसाइटी में ही है तो उन सोसाइटी में उसके फ्रेंड्स हैं, उन सोसाइटी में उसकी फैमिली है. अगर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करते हो तो आप सोसाइटी के साथ चीट नहीं कर सकते. अगली बात बोलते रखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बीइंग, अगर मैं बात करूं बहुत प्रैक्टिकली, अब बिजनेसमैन हैज सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स एंड कस्टमर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्रुप. तो ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब उसके हाथ से कोई सामान कस्टमर तक जा रहा है तो वो इंश्योर करे कि उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन ना हो, कुछ भी माल प्रैक्टिस ना हो, कुछ भी एडल्ट्रेशन ना हो. मालूम पड़ा अगर किराने के दुकान वाला अगर आपको मिर्ची बेच रहा है और मिर्ची के अंदर 1/2 किलो सिर्फ ईट पाउडर है, ईट को चूरा करके आपको दे दिया, मैं तो दोनों लाल और 1/2 किलो तो मिर्ची है ही, और आप कौन सी मिर्ची अलग से चखते हो कि पूरी मिर्ची क्या, आप तो सब्जी में डाल देते. तो उसमें अगर 1/2 किलो ईट पाउडर भी है, एक ईट को फोड़ के 7 रुपए में 1/2 किलो ईट पाउडर बना दिया और बाकी 1/2 किलो मिर्ची डाल दी, आपकी मम्मी अलग से कभी मिर्ची टेस्ट तो ना करती है ये पूरी मिर्ची सही है कि गलत है?
और बाहर से अच्छी पैकेजिंग कर दी, और अगर ऐसा आपको लूटे जा रहे हैं और आपको लग रहा है ठीक है मिर्ची तो ठीक ही चल रही है, पर थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ रही है उसमें क्या है, और आप ईट पाउडर खा रहे हो, अब मुझे बताओ ऐसे में आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर ईट पाउडर लगा? डू यू हैव एनी टूल्स जिससे तुम बता पाओ कि इसमें ईट का पाउडर है? नहीं, अपन ने कहा था कंज्यूमर इग्नोरेंट, कंज्यूमर को मालूम ही नहीं पड़ता उसके बाद किस किस एंगल से चीटिंग की जा सकती है, गेटिंग इट? तो यहाँ पे फिर बिजनेसमैन की मोरल एथिकल जस्टिफिकेशन बनता है कि अगर आप एनवायरमेंट में हो तो आपको कहीं ना कहीं ये चीटिंग नहीं करनी चाहिए। अगला है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो बिजनेसमैन को पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ गलत करा तो क्या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाएगा बिजनेस के अंदर? हाँ, तो ये जो किंगफिशर को भागना पड़ा, ये जो आपके पंजाब नेशनल बैंक के साथ बहुत बड़े घोटाले हुए, इसलिए हुए कि इन्होंने कंज्यूमर का इंटरेस्ट दिखा नहीं, इन्होंने इन कुछ लोगों के साथ मिलके लोगों को लोन बांट दी। जैसे अभी एबीजी शिपिंग यार्ड लास्ट टू लास्ट वीक यहाँ पे इस कंपनी को करीबन बस 22,000 करोड़ का लोन दिया गया, कंपनी भाग गई। तो 22,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो बैंकों के पास आपका पैसा पड़ा, आपका पैसा डिमोलिश हो रहा है। सर कैसे डिमोलिश हो रहा है? अब तुम बोलोगे सर हमको तो बैंक थोड़े कम देगी, हमको तो पूरा पैसा देगी। अब इस 22,000 करोड़ रुपए को भरपाई करने के लिए या तो आप एबीजी शिपिंग यार्ड को पकड़ के लाओ या सरकार उत्ते के नोट छाप देगी। इसका मतलब आपका वैल्यू ऑफ रूपी क्या हो गया? कम। मतलब ऑटोमेटिकली ये तो कल से मैं बैंक से बोलूं मेरे को 500 करोड़ का लोन दे दे फिर मैं भाग जाता हूं, तो 500 करोड़ छाप लेना। तो लेकिन नॉर्मल जो पब्लिक, अगर आप ऐसा पैसा छाप रहे हो इसका मतलब आप चीजों की प्राइस क्या कर रहे हो? महंगी कर रहे हो। रुपी वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो मार्केट में इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब ये आपका और मेरा लॉस। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बचने के लिए, और कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस, सीधी बात है। आज सर अगर आप कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास रखते हो, आप चीजों को रिविजन कराते हो, या आप किसी भी अच्छे होटल में जाते हो वहां पे आपको जितनी सर्विसेज एक्सपेक्टेड होते हैं उससे ऊपर सर्विसेज अगर कोई होटल दे रहा है, या किसी आपने रिलायंस डिजिटल से कुछ बाय किया तो आपके बाय करने के बाद वो आपको फोन कर रहे हैं सर आपका सामान सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते हैं कि कंज्यूमर क्या है, पर्पस ऑफ द बिजनेस। अगर कंज्यूमर खुश है तो आपका बिजनेस चलता रहेगा, अगर कंज्यूमर दुखी है तो आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल पाएगा। आप में से जितने भी लोग बिजनेस में जाना चाहते हो या प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो ये इस चैप्टर के थ्रू एक बात समझ लेना कि आपसे कंज्यूमर हमेशा बोलेगा नहीं कि मुझे खुश रखो, लेकिन ये आपकी इनडायरेक्ट मॉरल ड्यूटी होती है कि आपका कंज्यूमर कभी भी आपसे दुखी ना हो, एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन। अब इसे अपन वो लेते हैं क्या, एक ये भी लेते हैं। 2016 में क्वेश्चन आया था, ग्राहक शक्ति एन एनजीओ ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप टू डिस्कस वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू कंज्यूमर। ड्यूरिंग द डिस्कशन वन ऑफ द मेंबर ड्रू अटेंशन टुवर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर ड्यू टू डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। समझ में आ रही कहने का मतलब? तो टू दिस अनदर मेंबर आर्ग्यूड दैट कंज्यूमर देमसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल एज दे डू नॉट रेज कलेक्टिव वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। मतलब आपको बहुत बार अनसेफ प्रोडक्ट देते हैं, आपको बहुत बार बोलेंगे स्विच बिल्कुल सही है, लेकिन वो स्विच या वायर्स बहुत बार सही है, लेकिन वो वायर अगर उस क्वालिटी स्टैंडर्ड की नहीं है तो बहुत बार उस स्विच के कारण किसी को करंट आ सकता है, किसी की जान जा सकती है, तो अनसेफ उसको बोलते हैं। अडल्ट्रेशन हो रहा है मतलब मिलावट, अपन बात कर चुके हैं। ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग, तो एक कंज्यूमर ने बोला कि यार मार्केटिंग सब गलत हो रहा है, और दूसरा बनता होता है कंज्यूमर को खुद को सोचना चाहिए कि इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाए। The chairperson of the organization was of opinion that it is also a duty of the businessman to take care the interest of the various stakeholder. Business organization earn money by selling goods and services to the consumer, so the interest of the stakeholder have to be well taken care of. अब उसमें question पूछ रहे हैं कि state 3 points highlighted the need of consumer protection as discussed. तो सीधी बात है, 3 point क्या highlight हुए? पहली बात तो ये highlight हुई कि consumer क्या होते हैं, unorganized. क्योंकि कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज है इसलिए क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। सेकंड, अगर बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है और उसी से पैसा कमा रहा है तो क्या ये बिजनेसमैन की भी ड्यूटी बनती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखे? हाँ। तीसरा, ये चेयरपर्सन ने बोला कि कस्टमर अपने आप में क्या है, पर्पस ऑफ द बिजनेस, तो क्योंकि कस्टमर इज पर्पस ऑफ द बिजनेस तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को देखना चाहिए क्या उस चीज के लिए। यस, अब चेक कर लो इसमें तो आप बहुत सारे 3 पॉइंट आ सकते हैं, इन्होंने भी कुछ ना कुछ 3 पॉइंट दिए होंगे आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं अपन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो एक्ट आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेगा।
एक्ट ने बहुत सारे क्या दिए, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, इन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं ताकि कंज्यूमर को रेमेडीज मिल सके. सर, रेमेडीज अगेंस्ट वॉट? अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है ना? रिड्रेसल एजेंसीज का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर कोर्ट्स या कंज्यूमर फोरम्स. कंज्यूमर कोर्ट्स या कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोर्ट्स और कंज्यूमर फोरम. चले अब बड़ा मजे से पढ़ेंगे. यहां पे आपके पास सबसे पहला राइट है, राइट टू सेफ्टी. राइट टू व्हाट? सेफ्टी. अब इसमें अगर मैं बात करूं, अगर बॉस, राइट टू सेफ्टी, अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे कुछ चीज समझने की कोशिश करना. यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेने जाता हूँ. सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ काला हिट. मैं गया भैया, हमारे घर में बहुत सारे मच्छर वच्छर हो रहे थे, तो हमने बोला चलो एक काला हिट ले लेते. एग्जाम्पल काला हिट में आप याद रखना. तो काला हिट होता है जिससे भैया सीधे मच्छर भाग जाते हैं, मच्छर मर जाते हैं. ठीक है ना? मैं गया काला हिट लेने, तो मुझे दुकानदार ने बोला ठीक है मच्छरों को मारने के लिए काला हिट आप ये यूज करो, मच्छर मर जाएंगे. ठीक है ना? उस पूरे काले हिट की बॉटल पे कहीं से कहीं तक ये सब नहीं लिखा था कि इस काले हिट में कौन कौन से केमिकल्स हैं. और ऐसे भी कुछ केमिकल्स हैं जिसको छोटे बच्चों के आसपास स्प्रे करा गया तो उनको साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, डेट में रिजल्ट इन टू द डेथ ऑफ द चाइल्ड. अब मैंने तो कुछ नहीं करा, हमारे घर में छोटा बच्चा था, उसके आसपास मच्छर घूम रहे थे, मैंने सारा काला हिट रख दिया, तो मच्छर ही मर गया, बच्चा ही मर गया. तो अगर अपन बात करें तो क्या इस चीज के खिलाफ आप काला हिट के खिलाफ केस कर सकते हो? तो द आंसर इज यस. इसलिए आप चेक कर लिया करो बहुत प्रॉपर तरीके से. अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो काला हिट, उसमें कॉशन नोट लिखा रहता है, कॉशन, हैजार्डियस, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, कीप इन कोल्ड प्लेसेस, यूज दिस प्रिकॉशनरी मेजर्स, इनको बच्चों के पास ना लाएं. तो ऐसा क्या लिखना जरूरी है? हाँ, ये मेरा अधिकार है. अगर वो वहां से वो ग्राहक बोल दे, दुकानदार बोल दे कि आपने पूछा ही नहीं, हम पहले बता देते आपका घर में बच्चा तो काला हिट मत यूज करो, ये मेरी ड्यूटी नहीं है. ये जो कंपनी बना रही है, सेकंड जो दुकानदार बेच रहा है, ये दोनों की ड्यूटी बनती है कि राइट टू सेफ्टी के तहत मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट सप्लाई ना किया जाए जो मेरी सेफ्टी, मेरी हेल्थ, मेरी ओवरऑल लाइफ के लिए कॉशियस है. अगर मैं बात करूं, इसी में हमेशा एंकर स्विचेस का भी एग्जांपल लेता हूं. आप एंकर के स्विचेस लेके आए, बढ़िया आपने लगा दिए घर में, मस्त बढ़िया घर जगमग लाइट हो गया. अब उसमें कुछ नहीं हुआ, आप हाथ वाथ धो के आए थे बढ़िया, और आपने बोला चलो ठीक है लाइट चालू करते, तो आपने पूरे गीले हाथों से एंकर स्विच दबाया और भगवान ने आपका स्विच दबाया, आप निपट गए. अब ऐसे में क्या आप कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हो? अगेन यस, अगर एंकर स्विच ने अपने पैकेट के बाहर ये लिख के रखा है कीप अवे फ्रॉम वेट हैंड्स. तो आप देखना जितने भी स्विच होते हैं ना, उसको कहते हैं अवॉइड, क्या लिखते हैं उसमें, अवॉइड वेट हैंड्स या डोंट टच विथ वेट हैंड्स. ये लिखना उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है. अगर उन्होंने ये चीज लिख के नहीं रखी है तो हमने बोला, तुमने क्या लिख के बोला था कि गीले हाथ से, मतलब आपको समझ होनी चाहिए, हमको क्या समझ होनी चाहिए, हम तो बहुत यूज करते हैं गीले हाथ से स्विच दबाते हैं, और आपका तो स्विच बोलता ही, आप तो एंकर स्विचेस. तो क्या आप उनके खिलाफ केस कर सकते हो? यस, अगेन इन राइट टू सेफ्टी आप उस कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हो, ये बात जान के कि एंकर स्विच ने अगर ये नहीं लिख के दिया है कीप अवे फ्रॉम वेट हैंड्स या डोंट टच विद वेट हैंड्स. इसीलिए बहुत सारी कंपनीज, आप चेक करा करो, आप कोई प्रोडक्ट लिख के आओ, उसमें बहुत सारे प्रिकॉशन मेजर्स पहले से लिख के रखती है. ये समझ में आ रही है? वो क्यों लिख के रखती है? ताकि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बचे हुए रहे. बोलो कोई डाउट तो नहीं आता? अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ये बहुत बड़ा अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन. तो राइट टू इंफॉर्मेशन अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. जब ये यूज बहुत कम हुआ करता तब इसको यूज किया गया था हमारे द्वारा. आज अगर मैं किसी कॉलेज से पास आउट हूं तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू ही. अभी राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या है, मजेदार चीज है. मैं आपको दो एग्जाम्पल बताऊँ. जैसे अपने यहाँ पास में एक ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज बन गया, ब्रिज अच्छा भी है, लेकिन मैंने एक आरटीआई लगा दी, मुझे तो इस ब्रिज की पूरी कॉस्ट चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, और आपको क्या क्या टेंडर आए थे, किस रेट पे आपने इस ब्रिज को बनाया. क्या सरकार बाध्य है मुझे उस ब्रिज की कॉस्ट, टेंडर की पूरी डिटेल देने के लिए? द आंसर इज यस. और मैं सरकार के खिलाफ ये केस कर सकता हूँ, क्या मैं भी एक कंस्ट्रक्ट कॉन्ट्रेक्टर हूँ, कि आपका जो ब्रिज बनना चाहिए था 50 करोड़ में, आपने उस पे
125 करोड़ लगा दिए हैं, आपने पब्लिक के पैसे का नुकसान किया है, इसलिए आप पब्लिक को वापस से 75 करोड़ रुपीज दो या उस कॉन्ट्रैक्टर से वो पैसा वापस लो, तो क्या सरकार को इस पे कुछ मेजर्स करने पड़ेंगे? यस, ये बहुत बड़ा अधिकार है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल, मतलब इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, याद रखना जब भी हम बात करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन तो वी विल रेफर ब्रिज, जब हम बात करेंगे राइट टू सेफ्टी वी विल रेफर काला हिट एंड एंकर स्विचेस, ठीक है ना। अगर मैं आपको मेरे एडमिशन की बात करूं तो IIPS में एडमिशन हुआ 5 साल, उसमें से पढ़ के पास आउट हुआ। अभी क्या था प्रॉब्लम की बात है कि रैंक अच्छी लगी थी, 192 के आसपास मेरी रैंक लगी थी और एडमिशन अलग अलग कोर्सेज में हो रहा था मैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट कोर्स है MBAMS उसमें रैंक क्लोज हो गई 125 तक। अब यहाँ पे मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था MBAMS के अंदर, वो टॉप मोस्ट कोर्स, ठीक है भाई नहीं हुआ क्योंकि मेरी रैंक भी नहीं। तो हमने ट्राई करा सेकंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग, लेकिन कहीं से मुझे एक पता चल गया कि दो ऐसे बच्चे थे जिनकी रैंक थी 532 और 675, इन दोनों बच्चों को किसी अलग तरीके से एडमिशन दे दिया गया। हमने डायरेक्टर से बहुत प्यार से बात की, सर एडमिशन दे दो हमको भी, अच्छा कोर्स है इसी में रहना है। डायरेक्टर ने बहुत प्रताड़ित रूप से बात करी, हमने कुछ नहीं करा, हमने ऑनलाइन सिर्फ इतना फाइल कर दी, उस समय ऑनलाइन नहीं, उस समय फिर ऑफलाइन था, अभी तो ऑनलाइन हो गया पूरा, बहुत इजी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हमें हर उस बच्चे का नाम चाहिए, उस बच्चे को किस रैंक पे MBAMS के अंदर कोर्स में एडमिशन दिया गया है, उन बच्चों की लिस्ट चाहिए और कॉलेज को हमको विद इन 15 डेज वो लिस्ट देनी थी। और RTI के थ्रू जब ये लिस्ट मंगवाई गई हमारे द्वारा, तो डायरेक्टर का थर्ड डे पे फोन आ गया, आपने RTI में ये सब क्यों मंगाया? मतलब हमको पता है कि आपने धांधली करी है, आपने 532 की रैंक को भी एडमिशन दे दिया, उसमें आपने पैसे खाए, अब आप पकड़ाए जाओगे। थर्ड डे पे आ जाओ एडमिशन MBAMS सिंह, हमने RTA वापस ले ली क्योंकि हमको तो एडमिशन किया था, एडमिशन मिल गया था। तो डायरेक्टर को पता था कि मैंने यहाँ पे धांधली करी, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप कुछ भी डिमांड कर सकते हो जो कि लीगल है, इस चीज के आधिकारिक क्षेत्र में आप आते हो, गेटिंग इट। तो आप किसी भी बैंक के सर्कुलर्स डिमांड कर सकते हो, आप सरकार की किसी भी चीज की कॉस्ट डिमांड कर सकते हो, आपने कोई प्रोडक्ट लिया है उस प्रोडक्ट की डिटेल कि वो कैसे बनता है क्या बनता है आप वो सब डिमांड कर सकते हो। ये बहुत प्यारा मानव अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और राइट टू इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप सब कुछ डिमांड कर सकते हो। हाँ, पेशेंस चाहिए रहता है आपको, एक दिन में रिजल्ट नहीं आता, आपको वेट करना पड़ता है, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज है और पेशेंट है तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन को बहुत ढंग से यूज कर सकते हो। अब आता है राइट टू मेक चॉइस। राइट टू मेक चॉइस का मतलब होता है कि कंज्यूमर के पास हमेशा सरकार के अगेंस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अधिकार होना चाहिए, राइट टू मेक चॉइस। नो कंपनी नो सेलर कैन फोर्स अ कंज्यूमर टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली। कोई कंपनी ये नहीं बोल सकती रिलायंस कि नहीं आपको तो जियो ही लेना पड़ेगा और जियो के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। इवन वोडाफोन आइडिया भी इससे बंद नहीं हो रहा है क्योंकि लॉजिक है सरकार कंज्यूमर के अगेंस्ट, कंज्यूमर के पास हमेशा क्या रहनी चाहिए, चॉइस। तो सरकार को किसी भी कंपनी की मोनोपोली बनने से रोकना पड़ता है, कंज्यूमर के पास हमेशा चॉइस होनी चाहिए। अगर आप साबुन लेने जा रहे हो तो आपके पास सिंथॉल भी होता है, आपके पास लक्स भी होता है, आपके पास डव भी होता है, आपके पास पियर्स भी होता है। अगर आप कार खरीदने जा रहे हो तो मारुति की भी कार है, जनरल मोटर्स की भी कार है, हुंडई की भी कार है। राइट टू मेक चॉइस कंज्यूमर का अधिकार है। नो सेलर और नो कंपनी और नो सिस्टम कैन फोर्स द कंज्यूमर टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली। इसका मतलब अगर अभी वोडाफोन आइडिया बंद हो रही थी, सरकार ने पूरी बंद होती भी कंपनी का स्टेक खरीद लिया, क्योंकि कंज्यूमर के पास कभी भी जो अपना सिम खरीदने जाए तो कम से कम उसके पास 3 चॉइसेस हो, वो जियो और सिर्फ एयरटेल की मोनोपोली या डिओपोली बनने देना नहीं चाहती, ना ही वो बनने दे सकती, क्योंकि कंज्यूमर के पास अधिकार है राइट टू मेक चॉइस। राइट टू मेक, देखो ध्यान से, राइट टू चूज मीन्स एन अश्योरेंस ऑफ अवेलेबिलिटी, अश्योरेंस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एबिलिटी एंड एक्सेस टू वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटेटिव प्राइस इन कॉम्पिटेटिव मार्केट एंड एनवायरमेंट। क्योंकि देखो जहां राइट टू चॉइस ही नहीं होगा, आप चेक कर लो द प्रोड्यूसर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोड्यूसर और सप्लायर और रिटेलर शुड नॉट फोर्स द कंज्यूमर टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ओनली। कंज्यूमर इज फ्री टू चूज एनी प्रोडक्ट सूट्स टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन अगर आपके एरिया में कोई एक ही, जैसे मैं बताऊं मेरी इसके खिलाफ भी करने की इच्छा थी बट पापा ने रोक लिया, बोले उस समय बहुत नाजुक उम्र का था, मैं फर्स्ट सेकंड ईयर का बच्चा था, कि
कि हमारे एरिया में क्या था, केबल डिस्ट्रीब्यूटर एक ही था, और वो अपनी मनचाही पर चलता था, टीवी पे केबल था, आजकल तो डीटीएच लग गया, तो उसकी मोनोपोली चल रही थी। और वो क्या होता था, किसी डीटूएच वाले को या किसी और को भी एरिया में आने देता नहीं था, चमका क्या था कि इस एरिया मेरा, इस एरिया में कोई और नहीं आया। तो मेरा राइट टू चॉइस के अगेंस्ट, राइट टू चॉइस के थ्रू एक और कंज्यूमर फोरम में केस करने की इच्छा थी कि केबल वाला कैसे हमसे राइट टू चॉइस छीन सकता है। वैसे तो हम कर देते ऑफिशियली, और फिर एक लंबा केस चलता 2-3 साल तक, बट अगर लॉजिकली बात करें तो राइट टू चॉइस का मतलब है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मोनोपोली चला नहीं सकता है। राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू रिप्रेजेंटेशन, अब इसका मतलब क्या है कि हर कंज्यूमर के पास अधिकार है राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एंड राइट टू एडवोकेट हिज इंटरेस्ट। तो हर कंज्यूमर के पास अधिकार है कि वो जाके कंज्यूमर फोरम में जाए, न्यायालय में जाए, और प्रॉपर राइट्स की, अपनी ग्रीवेंसेस को क्या करें, सीक रिड्रेसल ले पाए। तो कोई भी कंज्यूमर फोरम, आपको एक अच्छी बात जानने को मिलेगी कि वैसे तो नॉर्मल कोर्ट्स में भी, बट कंज्यूमर फोरम में एक बहुत अच्छी बात है, आपका कोई भी केस लगा हुआ है तो जरूरी नहीं आपको उसके लिए कोई वकील करने की जरूरत, आप खुद अपने एडवोकेट बन के जा सकते हो तथ्यों को लिखने के लिए। मतलब आपको कोई जरूरत नहीं है कोई लीगल लॉयर की, आप जाओ बोलो मेरे साथ ये गलती हुई है, आप सामने वाले के खिलाफ केस भी कर रहे हो तो सामने वाले का भले लॉयर आ सकता है, आप चाहो तो उसको खुद रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मेरे साथ ये गलतियां हुई। तो अगेन कंज्यूमर फोरम ने बहुत सारी चीजें कंज्यूमर्स के लिए अच्छी करके रखी है, ठीक है ना। तो राइट टू बी हर्ड एंड बी अश्योर्ड दैट इंटरेस्ट वुड रिसीव ड्यू कंसिडरेशन, इसका मतलब कंज्यूमर फोरम के अंदर अगर मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करूं, हर कंज्यूमर को अधिकार है कि वो अपनी बात रखता है। राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब हर कंज्यूमर को अधिकार है न्याय का, इसको आप बोल दो मुझे न्याय चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसी कोई भी चीज आपका गलत हुई है या किसी सेलर ने आपका गलत किया है, तो क्या आप राइट टू सीक रिड्रेसल के थ्रू क्या न्याय मांग सकते हो? द आंसर इज यस। अगला है राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, इसका मतलब ये एक नया राइट दिया गया, अच्छा बड़ा राइट है। अगर आप चेक करते हो ना, तो कभी गलती से विविध भारती उसमें सुन लिया करो, इसमें रेड एफएम की जगह विविध भारती सुनो रेडियो पे, और कभी कभी आपके टीवी में एक चैनल आता है जिसको आप देखने भूल गए, वो होता है दूरदर्शन, बहुत अच्छा चैनल हुआ करता हमारे बचपन में, यही हुआ करता, DD1 DD2, कुछ और देख नहीं पता था। ये गवर्नमेंट का चैनल दूरदर्शन, और विश्वास मानो आज भी इसकी टीआरपी बहुत ज्यादा है, जहां जहां पे केबल नेटवर्क नहीं वहां पे लोग दूरदर्शन ही देखते। अभी दूरदर्शन के थ्रू और गवर्नमेंट के अलग अलग कैंपेन्स के थ्रू एक कैंपेन चलती है, इसको बोलते हैं जागो ग्राहक जागो। तो जागो ग्राहक जागो मतलब ये हर कंज्यूमर का अधिकार है कि सरकार कंज्यूमर को एजुकेट करती रहे कि कहाँ कहाँ उसके साथ गलती हो सकती है। जो आपको अलग अलग कंपनी से मैसेज आते हैं ना आपकी बैंकों की तरफ से कि कोई भी ऐसा आपको कोई भी कॉल करे आपका पिन कोड डालने के लिए, तो इसको आप कहते हैं मत दीजिएगा, या आपको आपके अकाउंट में सीज कर लेंगे, तो अमिताभ बच्चन ऐड करता है कि आप जानकार रहिए, और आरबीआई कहता है कि अपना पिन, अपना ये नंबर से बैंक अकाउंट नंबर किसी भी शेयर ना करें, ऐसे मैसेजेस को। तो वो अमिताभ बच्चन की एडवर्टाइज देखोगे तुम बहुत सारी, आजकल भी केबीसी में भी, कि कभी भी कोई भी आपको बैंक के थ्रू कोई प्रॉब्लम आती है तो बैंक के ओम्बड्समैन को आप कंप्लेन कर सकते हो। ये सब क्या हो रहा है, अलग अलग फोरम के थ्रू आपको एजुकेट करने की तैयारी करता है, और करना चाहिए गवर्नमेंट को कि कंज्यूमर को अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज पता, कंज्यूमर को अपनी राइट्स और कंज्यूमर को अपनी ड्यूटीज क्या हो पता हो। तो अगर मैं बात करूं अच्छे से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो गया, राइट टू सेफ्टी, अगर मैं बात करूं तो राइट टू सेफ्टी के तहत अगर मैं बात करूं तो अपन ने क्या पढ़ा था, काला हिट, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत अपन ने क्या पढ़ा था, अगर अपन बात करें ब्रिज, राइट टू मेक चॉइस, तो आपने वोडाफोन आइडिया और रिलायंस का एग्जाम्पल लिया था, इवन सोप्स का भी एग्जाम्पल लिया था। राइट टू बी हर्ड मतलब मेरी आवाज सुनो, तो मेरी आवाज सुनो का मतलब क्या हुआ, हर इंसान को अपनी आवाज रखने का ढंग होना चाहिए। राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या था, दूरदर्शन, ठीक है क्या। तो सबसे पहले तो आप इन सब चीजों को पढ़ लो, समझ लो, फिर